चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग जो है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। कल मुझे लगता है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ गई थी, तो स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर में एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। मैं आपको पूरा ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ क्योंकि लिखा हुआ केवल मैं इसको पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सेकल टाइप ऑफ इन्वर्टर सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर मैंने बताया था कि जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होगा वो जनरली आपका कहां पर यूज किया जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में आप इस टाइप के इंसुलेटर को देखेंगे, लेकिन ये इंसुलेटर आपका यूज किया जाता है जब आपको अपने लाइन में ज्यादा टेंशन का रिक्वायरमेंट होता है, और अगर ज्यादा टेंशन का रिक्वायरमेंट होगा तब आप इस टाइप के इंसुलेटर को ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे। ज्यादा टेंशन अगर रिक्वायरमेंट होगा तो सैग आपका क्या करेगा? कम बनेगा, ठीक है। और जनरली आपको देखेंगे कि ज्यादा टेंशन का रिक्वायरमेंट कब होता है? जब आपके पास शार्प कॉर्नर होते हैं। शार्प कॉर्नर में आपको अपने तार को कस के क्या करना होता है? टाइट करना होता है, ठीक है। वहां पर आप पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका जो है सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको हाई टेंशन के रिक्वायरमेंट होगी। या फिर जब आप रिवर को जब क्रॉसिंग करेंगे, क्योंकि आप जो है अपने टावर्स को रिवर के दोनों एंड पे आप क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या फिर रखते हैं, तो डिस्टेंस काफी लंबी होती है। डिस्टेंस अगर लंबी होती है तो सैग आपका काफी बड़ा बनता है। सैग अगर ज्यादा होगा तो हजार्ड्स होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसलिए सैग को कम करने के लिए हम लोग टेंशन क्या करते हैं? कम का टेंशन ज्यादा रखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन रखेंगे उतना ज्यादा आपका सैग क्या होता जाएगा? कम। जितना ज्यादा टाइट आप अपने वायर को करेंगे उतना टेंशन आपका क्या होता जाएगा? कम। यहां पर लिखा है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज टू इंक्रीज द टेंशन ऑन द कंडक्टर सो दैट द सैग ऑन द कंडक्टर विल बी रिड्यूस। तो ये सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर, सस्पेंशन ऑफ टाइप ऑफ द इंसुलेशन में जो टेंशन होगा वो केवल वेट की वजह से आएगा, क्योंकि वेट आपका जो है वेट की वजह से टेंशन आएगा, तो ये टेंशन कम होता है तो सैग अच्छा खासा बनता है, ठीक है। तो सैग क्या होता है? सैग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। पॉइंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो आपका सैग होता है, ठीक है। अगर आप इस सैग को कम करना चाहते हो तो टेंशन बढ़ा देंगे तो सैग आपका क्या, अगर टेंशन आपका क्या होगा? कम होगा, तो सैग आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। और टेंशन अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही सैग आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि टेंशन को इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पर जो है सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज करते हैं। सस्पेंशन ऑफ टाइप ऑफ इंसुलेटर में आप क्या होता है? टेंशन आप ज्यादा क्रिएट करते हैं, टेंशन की वजह से आपका सैग क्या हो जाता है? कम होता है, तो हजार्ड होने के चांस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और जनरली आपका जो है क्या होगा? रेलवे क्रॉसिंग में नीचे रेलवे के वायर्स जाएंगे तो वहां पर आपका क्लियरेंस कम होता है, इसलिए टेंशन ज्यादा रखते हैं तो सैग कम होगा, ठीक है। रिवर क्रॉसिंग में डिस्टेंस काफी लंबी होती है तो टेंशन आपका जो है सैग ज्यादा होता है, सैग को कम करने के लिए टेंशन ज्यादा रखते हैं, ठीक है। शार्प कॉर्नर पे भी आप देखेंगे कि सस्पेंशन टायर दैट इज स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखा है दैट इज आपका जो है जो स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है उसमें टेंशन आपका ज्यादा होता है, जिससे सैग आपका क्या होता है? कम बनता है। यहां भी आपने सस्पेंशन टायर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर एंड सैग टाइप ऑफ इंसुलेटर, क्योंकि डायरेक्टली कंडक्टर को हम टावर से कनेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज इंसुलेटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अब इन दोनों आपके वायर के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जम्पर केबल का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर लिखा है स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर में जो ईच डिस्क होती है वो भी आपके 11 केवी वोल्टेज के लिए डिजाइन होती है, और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टावर होता है। ये टावर होता है, टावर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दैट इज 90 डिग्री, या फिर हमेशा होरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर होरिजेंटल इन स्ट्रक्चर होता है, या फिर होरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जनरली जब शार्प कॉर्नर होते हैं तो शार्प कॉर्नर में आप क्या करते हैं? कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं? स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं सैकल टाइप ऑफ इंसुलेटर में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर मैंने कुछ पॉइंट लिखा थे, स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड इन द रिवर क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग एंड डेड एंड ऑफ द लाइन। डेड एंड ऑफ द लाइन मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द लाइन। स्टार्टिंग टावर या फिर एंडिंग टावर पे भी आप क्या करते हैं? स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज करते हैं, या फिर शार्प कॉर्नर या फिर कॉर्नर पे। वेन द टेंशन ऑन द लाइन इज वेरी हाई,
when the tension on the line is very very high due to the long span length, span length ज्यादा होगी तो sag ज्यादा बनेगा, sag को कम करने के लिए tension ज्यादा होता है, तो when the tension on the line is very very high due to the long span length, sharp corner या फिर sharp curve या फिर river crossing, reverse crossing, यहाँ पर crossing word लिख देता हूँ, river crossing, then we will use the strain type of insulator which are connected in parallel, क्योंकि ज्यादा tension होगा तो एक कि जगह आप दो स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. इट इज यूज्ड इन ऑल द वोल्टेज लेवल फ्रॉम 33 केवीए से लेकर 765 के लिए. जनरली स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम विल बी देयर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. नेक्स्ट आपके पास जो इंसुलेटर था दैट इज द स्ट्रेन टाइप, दैट इज सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर. ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग इंसुलेटर में दो पार्ट थे, दैट इज सस्पेंशन टाइप और आपका स्ट्रेन टाइप. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट इज सेकल, दैट इज सेकल टाइप सेकल इंसुलेटर और इसको बोलते हैं स्पूल, स्पूल इंसुलेटर, स्पूल इंसुलेटर. सेकल इंसुलेटर या फिर सेकल टाइप इंसुलेटर या फिर स्पूल इंसुलेटर. ठीक है, अब थोड़ा सा जरा ध्यान से सुनिएगा. जनरली आपका जो सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर जो होता है, जो सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है उसका सेम वर्क होता है, जिस सेम वर्क होता है किसकी तरह, स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर. ट्रांसमिशन लाइन में जो काम स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर करता है वही काम सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करता है. मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब आपको अपने लाइन में ज्यादा टेंशन का रिक्वायरमेंट होगा, ज्यादा टेंशन का रिक्वायरमेंट होगा तो आप वहां पर कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे, आप सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो मैं कुछ पॉइंट पढ़ रहा हूं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. जो सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर हैव द सेम वर्क इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज द स्ट्रेन इंसुलेटर इन द ट्रांसमिशन सिस्टम. ठीक है, पहला काम है, जो काम ट्रांसमिशन सिस्टम में स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर कर रहा था वही काम आपका सेकल टाइप इंसुलेटर करता है, कहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. ठीक है, अब आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 33 केवीए तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, 33 केवीए तक आप लोग जनरली क्या करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं. लेकिन आप देखेंगे पिन टाइप इंसुलेटर में आपका क्या होता है, वो स्ट्रेट रन के लिए यूज किया जाता है. जब भी शार्प कॉर्नर आते हैं, शार्प कॉर्नर आएंगे तो जब कंडक्टर को आप ग्रूव से पास करेंगे तो देयर इज ए चांसेज कि जो आपका कंडक्टर है वो ग्रूव से बाहर निकल जाए, और अगर आपका कंडक्टर ग्रूव से बाहर निकल जाएगा तो आपके टावर या फिर क्रॉस आर्म से क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा. और टच अगर कर जाएगा आपका कंडक्टर क्रॉस आर्म या फिर टावर से तो देयर इज ए हजार सोने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा. इसलिए जो शार्प कॉर्नर होते हैं वहां पर आपका जो कंडक्टर, पिन टाइप इंसुलेटर में जो कंडक्टर होता है उसमें जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है वो काफी कम होती है. मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम शार्प कॉर्नर पे, फिर कॉर्नर पे हम पिन टाइप इंसुलेटर की जगह कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं, सेकल टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं. इसको मैं फिगर से बताने की आपको कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा. मैंने बोला कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन आपकी कैसे रन कर रही है, आपकी लाइन जो है वो आपका टर्न ले रही है. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी बनाइएगा नहीं, पहले सुन लीजिए. ठीक है, सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर, तो पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं. ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर सम पॉइंट. पहला पॉइंट लिखिए, द सेकल, सेकल टाइप इंसुलेटर, सेकल टाइप इंसुलेटर हैव द सेम वर्क, हैव द सेम वर्क इन द, इन द डिस्ट्रीब्यूशन, हैव द सेम वर्क इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
एच द स्ट्रेन स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इंसुलेटर इन द ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक है। जो सैकल टाइप इंसुलेटर होता है उसका सेम वर्क होता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब सैकल टाइप ऑफ इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज किया जाएगा ठीक है। एज द स्ट्रेन एज द स्ट्रेन इंसुलेटर इन द ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक है। पहला चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो जनरली जो है जो कॉर्नर होते हैं टर्निंग पॉइंट होते हैं वहां पर आप इंसुलेटर को यूज करते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखने को मिलता है, मैंने बताया था सैकल टाइप भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। पिन टाइप जो कॉर्नर्स होते हैं या फिर टर्निंग पॉइंट होते हैं वहां पर आप पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करते। पिन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे तो दिक्कत क्या होगी, ध्यान से देखिएगा ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए। चलिए मेरे पास एक लाइन है जो कि आपकी क्या कर रही है बेटा, टर्न ले रही है ठीक है। नाउ दिस इज द लाइन, ये मेरी लाइन है और ये लाइन इस तरह से क्या ले रही है, टर्न ले रही है। ये मेरे पास लाइन ठीक है। अब इस टर्निंग पॉइंट पे आप जो है पिन इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे, आप कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे, सैकल टाइप। पिन इंसुलेटर यूज करने का क्या दिक्कत है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए यहां पर मैं पिन टाइप इंसुलेटर यूज करता हूं तो पिन टाइप इंसुलेटर में जो कंडक्टर होता है वो ग्रूव से पास करता है ठीक है। यहां मैं पिन टाइप इंसुलेटर बना रहा हूं ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर बना रहा हूं ठीक है। दिस इज पिन टाइप इंसुलेटर ठीक है। ये ध्रुव से आपका कंडक्टर क्या कर रहा है, पास कर रहा है ठीक है। यहां मैं दिखा देता हूं, दिस इज पावर कंडक्टर, पावर कंडक्टर ठीक है। यहां पर बोर्ड पे देखिएगा ठीक है। तो आप देखेंगे जब आपके पास जो है कॉर्नर होगा या फिर आपके पास टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट में जब आप अपने कंडक्टर को ग्रूव से पास करेंगे तो देयर इज अ चांसेस कि ये कंडक्टर इस ग्रूव से क्या हो जाए, बाहर आ जाए ठीक है। टर्निंग पॉइंट में क्योंकि देखिए ग्रूव सीधा होगा, जब कंडक्टर से पास करेगा आप उसको टाइट करेंगे तो देयर इज अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी जिसकी वजह से आपका जो है कंडक्टर ग्रूव से बाहर आ सकता है ठीक है। और कंडक्टर ग्रूव से बाहर आ जाएगा तो आपका जो है कंडक्टर आपका किससे टच कर सकता है, टावर से टच कर सकता है या फिर आपका क्रॉस आर्म से टच कर जाएगा। अगर बेटा कंडक्टर टावर या फिर क्रॉस आर्म से टच कर जाएगा और बेटा टावर आपका ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है तो आपका करंट आपका ग्राउंड में डायरेक्टली टावर के थ्रू क्या करेगा, पास कर जाएगा। आगे आपका जो है आपकी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। और अगर टावर में बेटा करंट पास कर जाएगा तो देयर इज हजार्ड्स होने का चांस ज्यादा होगा, देयर इज मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी। तो जितने भी आपके टर्निंग पॉइंट होते हैं वहां पर अगर मैं पिन टाइप इंसुलेटर यूज करूंगा तो पिन टाइप इंसुलेटर में मैकेनिकल इनस्टेबिलिटी होगी ठीक है। आपका जो कंडक्टर है वो ग्रूव से बाहर आ सकता है ठीक है, क्योंकि आपका जो है जैसे ही आप उसको टाइट करने जाएंगे ना तो आपका कंडक्टर आपके ग्रूव से बाहर आ जाएगा जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी टर्निंग पॉइंट होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, यहां पर मैं लिखा टर्निंग पॉइंट या फिर कॉर्नर में, तो यहां पर लिख रहे हैं इन द टर्निंग पॉइंट और इन द कॉर्नर्स इफ वी यूज
पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर, देन देयर इज ए चांस ऑफ, देन देयर इज ए चांस ऑफ, देयर इज ए चांस ऑफ कंडक्टर, देयर इज ए चांस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि देखो सीधा सीधा रहेगा तो ग्रूव में फिट बैठेगा, अगर टर्निंग लेंगे तो आपने कंडक्टर को टाइट किया तो हो सकता है ग्रूव से बाहर, देन देयर इज ए चांस ऑफ कंडक्टर टू कम आउट फ्रॉम इन द टर्निंग पॉइंट और इन द कॉर्नर, इफ वी यूज पिन टाइप ऑफ इन, देन देयर इज ए चांस ऑफ कंडक्टर कम आउट फ्रॉम द ग्रूव ड्यू टू द टेंशन प्रेजेंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर में टेंशन की वजह से वो बाहर आ सकता है जब उसको टाइट करेंगे, प्रेजेंट इन द कंडक्टर, सो दैट इन द कॉर्नर और टर्निंग पॉइंट वी विल नॉट यूज्ड the pin type of insulator, pin type of insulator, ठीक है, इसलिए जनरली हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करते। तो हम करते क्या है बेटा, आपके कॉर्नर्स पे हम लोग सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है, सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज करते हैं, और सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज करने से आप ज्यादा टेंशन दे सकते हैं, उसको मैं बताता हूं कि कैसे यूज करते हैं। जो सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है वो डंबल शेप का होता है, डंबल शेप या फिर डी शेप का होता है, जनरली डंबल शेप यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग इंसुलेटर कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे, पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसको टाइट करने जाएंगे ना तो ये ग्रूव से बाहर आ सकता है, और बाहर आने के बाद आपके टावर या फिर आपके जो है क्रॉस आर्म से टच कर जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, कॉर्नर पे करते क्या है, कॉर्नर में करने के लिए दो टावर लगाते हैं। नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर, लिख गया हो तो मैं आगे चलू, चलो तो हम करते क्या है, टर्निंग पॉइंट या फिर कॉर्नर में दो टावर लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा जो चीजें मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। दो टावर लगाते हैं, दिस इज टू टावर्स आई कैन बी यूज्ड, दो टावर हमने लगाए, यहां से आपका इनकमिंग कंडक्टर और यहां से आपका ये आउटगोइंग कंडक्टर, दिस इज आउटगोइंग कंडक्टर, ठीक है, दिस इज आउटगोइंग। ये टर्निंग पॉइंट पे हम दो टावर्स लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इस कंडक्टर को, ये जो इनकमिंग कंडक्टर है, इसको इस टावर से आपको बाउंड करना है, टेंशन ज्यादा टेंशन के साथ बाउंड करना है, और इस आउटगोइंग कंडक्टर को इस टावर के साथ टेंशन के, जितना ज्यादा टेंशन देंगे उतना ज्यादा आपका सैग, उतना कम सैग होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होगा।
और जितना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होगा उतना ही कम आपका जो है हजार्ड्स या फिर दुर्घटना होने का चांस क्या रहेगा, कम होगा। तो आप देखेंगे क्या मैं इस कंडक्टर को डायरेक्टली टावर से जो है कनेक्ट कर सकता हूं, नहीं। आप क्या करेंगे, इस कंडक्टर को आप डायरेक्टली टावर से सपोर्ट नहीं दे सकते, आप किसके थ्रू सपोर्ट देंगे, आप जो है इसको देंगे इंसुलेटर के थ्रू। लेकिन आप इंसुलेटर कौन सा यूज करेंगे, सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां पर एक डंबल टाइप शेप का इंसुलेटर लेंगे, डंबल्ड शेप इंसुलेटर, जैसे डंबल्ड शेप इंसुलेटर। और ये डंबल्ड शेप इंसुलेटर को आप इस टावर से क्या कर लेंगे, नट एंड बोल्ट की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, नट एंड बोल्ट की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। नाउ नट एंड बोल्ट की हेल्प से इसको टावर में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, नट एंड बोल्ट की हेल्प से इसको कनेक्ट कर देंगे। और इस कंडक्टर को इस इंसुलेटर से टाइटली आप क्या कर देंगे, लपेट देंगे, टाइटली, टाइट तरीके से, वेरी वेरी हाई टेंशन, ठीक है, इसको आप जो है यहां पर टाइटली लपेट देंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करेंगे, यहां भी आप एक डंबल शेप का इंसुलेटर लेंगे, जिसको बोलते हैं सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर। आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, कॉर्नर्स में जाके देखिएगा, ऐसा टाइप का इंसुलेटर आपको दिखेगा, ठीक है। नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर, डंबल्ड शेप का ठीक है, डंबल्ड शेप का इंसुलेटर लेंगे और नट एंड बोल्ट की हेल्प से इसको टावर से कनेक्ट करते हैं, नट एंड बोल्ट, दिस इज नट एंड बोल्ट। और इस कंडक्टर को भी इस इंसुलेटर से टाइटली बाउंड कर देंगे, टाइटली बाउंड कर देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर भी आपने हाई टेंशन दे दिया, अभी हाई टेंशन दे दिया, लेकिन आप देखेंगे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जम्पर केबल द्वारा इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। नाउ यू कैन बी टेकन द जम्पर केबल, दिस इज द जम्पर केबल, नाउ दिस इज द जम्पर केबल, दिस इज जम्पर केबल, जम्पर केबल द्वारा कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द अरेंजमेंट यू कैन बी सी, ठीक है। ये जो आपका इंसुलेटर होगा, दिस इंसुलेटर इज कॉल्ड द सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, दिस इज द सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर। तो सात कॉर्नर में आप देखेंगे कि टेंशन आपको अच्छा खासा देना होता है, और अगर आप पिन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे तो जब उसके ग्रूव से कंडक्टर को पास करेंगे तो ये कंडक्टर उसके ग्रूव से बाहर रखता है टर्निंग पॉइंट में। देखो जब भी टर्निंग होगा और इस तरह खड़ा सा जो है आपने पिन टाइप इंसुलेटर जब इससे पास करेंगे तो कंडक्टर से बाहर आ जाएगा, जैसे जैसे आप उसको कसते जाएंगे बाहर आ जाएगा, ग्रूव इतना जो है चौड़ा नहीं होता कि उसके अंदर कंडक्टर चला, उसके ऊपर रखा होता है, उसको टाइट करते हो, जैसे जैसे टेंशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है कंडक्टर बाहर आ जाएगा। हो सकता है कि आपका जो है जो कंडक्टर है वो ग्रूव से बाहर आके आपके टावर से टच कर जाए, इसलिए पिन टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे, वी विल गो फॉर द साइकिल टाइप ऑफ इंसुलेटर, दिस इज द साइकिल टाइप इंसुलेटर, जो कि आपको अच्छी मैकेनिकल स्टेबिलिटी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ऊपर कर रहे हैं, रुक जाओ रौनक, ठीक है, दिस इज टर्निंग पॉइंट में वी कैन गो फॉर द साइकिल टाइप ऑफ इन्वर्टर एंड दैट इज इंसुलेटर। अब जो साइकिल टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है उसमें एक ही डिस्क होती है, कितनी डिस्क होती है, एक ही डिस्क होती है। स्ट्रेन टाइप में कई सारी डिस्क लगी होती हैं, लेकिन इसमें जो साइकिल टाइप ऑफ इन्वर्टर इंसुलेटर होता है उसमें एक ही डिस्क होती है, ओनली वन डिस्क। और जनरली जो है ये आपका अगर एक ही डिस्क होती है तो जनरली 11 kVA तक के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, 11 kVA तक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 11 kVA तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं ये पॉइंट,
उसके बाद मैं एक अच्छा सा फिगर भी बनाऊंगा, अच्छा सा फिगर बनाऊंगा, अभी आप ऐसे रफली चीजें समझते जाइए। अच्छा, ये जो सेकंड टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है, इसको आप वर्टिकल पोजीशन पे भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी इसको लगा सकते हैं, लंबा लंबा भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों ही पोजीशन पे आप इसको लगा सकते हैं टावर में। ठीक है, हो गया, तो आगे बढ़े। कौन सा पोस्ट अच्छा होता है भैया? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छा होता है उसमें आपका पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, जिसमें पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है उसमें पैसा ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन की पोस्ट को भरना चाहिए, और अगर आप जो है सीखना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, तो ट्रांसमिशन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं या फिर आप जो है पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन में पैसा है लेकिन इतना पैसा नहीं है जितना डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट। ठीक है, कि जब आपका एग्जामिनेशन निकल जाए तो आके पूछ लीजिएगा, अभी आपका मेन फोकस है एग्जामिनेशन को निकालना। हाँ, वो मुझे मालूम है, पैसा कमाना ही सबकी प्रायोरिटी होती है, सीखना कोई नहीं चाहता। अगर ऐसा अब एपीजे अब्दुल कलाम सोचते तो हो सकता है कि अपने पास परमाणु बम ना होता। ठीक है, तो कई बार होता है कि कौन अपनी लाइफ में क्या चीज अचीव करना चाहता है, दैट इज द प्रायोरिटी विल बी देयर। पैसा इतना मिलता है आपको जेई के लेवल पे कि आप अपने घर को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलिए ऊपर कर देता हूं, यहां से मैंने लिखाया था, जल्दी से लिखो जिसका छूट गया है। लाइफ में हर चीज पैसा नहीं होता है, ये आपको मालूम चलेगा जब आप 60 साल की एज में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप करप्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको टेंशन होगा, और जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना कम आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे। दैट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप करप्शन करिए, लेकिन उतना करप्शन मत करिए कि आप देसी बेच डालिए। ठीक है, तब तुम लोग ये सोचो कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फूक गया है, ठीक है, तो उसके सारे अर्जे पर्जे भी बेच डाले जो है। अच्छा, 2020 वाला है, अभी उसको दहेज लेने के लिए पूछ रहा था कि कितना लेंगे। भैया जिस दिन तुम जेई बन जाओगे तो 25 से 30 लाख रुपए दहेज मिल जाएगा, अगर हाउसवाइफ चाहते हो, और अगर पढ़ी लिखी लाइफ, तो पढ़ी लिखी लड़की चाहे तो जो जॉब करती हो तो जिंदगी भर दहेज मिल जाएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट। ठीक है, तो अगर आप जो है जॉब वाली लड़की करोगे तो जिंदगी भर के लिए दहेज है, और वो जो दहेज तुम्हें मिलेगा ना, जो 20-25 लाख वाला है, उस हिसाब से तुम्हारा खर्च भी हो जाएगा। ठीक है, तो दहेज के चक्कर में आप ना पढ़े, ठीक है, और दहेज के चक्कर में आप रहेंगे ना तो कुछ सालों बाद आपने लिया होगा तो देना भी पड़ेगा, जब लड़की हो जाएगी तो। आपकी शादी में 25 लाख हुआ तो जब आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे तो 2.5 करोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से समझ लो। तो दहेज वहेज ये जितना जो है तुम लोग बोल रहे हो ना, ये सब अच्छी बातें नहीं है। ठीक है, आप जो है अपनी बच्ची जो भी हो उसको अच्छे से पढ़ाइए, 50 लड़के झक मार के शादी करेंगे जो है। ठीक है, अच्छा, तो हमारा नाम क्या बताओ कि भाई ये जयप्रकाश हमको मना ही कर रहे हैं कि भाई तुम जो है क्या कहते हैं कि करप्शन ना करो। ठीक है, अच्छा ये बता रहे कि कौन सी पोस्ट अच्छी है। सरीन ने बताया कि करप्शन ज्यादा करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाए, तो भैया अब तुमने पूछा तो तुमने बता दी, अब तुम्हें अपने मन से सोचना है कि तुम देश की सेवा करना चाहते हो, किसकी सेवा करना चाहते हो। वैसे देश की सेवा करने लायक तुम लोग लगते नहीं हो। तुम लोग भी आज अड्ड बन के क्वेश्चन पूछ रहे हो भैया, हम कोई दहेज वहेज नहीं लिए हैं। ठीक है, मैं इसके खिलाफ हूं बिल्कुल जो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कुछ भी जो है पगलापन वाली बातें करते रहते हो। ठीक है, तुम लोग की शादी होगी, तुम लोग बुलाना, तुम लोग की शादी की व्यवस्था देख के बता देंगे तुम लोग कितना दहेज लिए हो। ठीक है,
क्या जो है अंडर बंड के क्वेश्चन पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखे। पहला चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर जो होता है, स्ट्रेन टाइप में कई सारी डिस्क होती है लेकिन सेकल टाइप में एक ही डिस्क होगी और जनरली एक डिस्क जो होती है वो 11 केवीए के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है द सेकल यहां लिखे सेकल इंसुलेटर, द सेकल इंसुलेटर, द सेकल इंसुलेटर कंटेन्स ओनली द सेकल इंसुलेटर कंटेन्स ओनली वन डिस्क सो दैट इट इज यूज्ड इन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप टू 11 केवी ओनली। ठीक है जनरली कोरोना लॉस इससे जस्ट नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। जो सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर होगा वो आपका किसी भी पोजीशन पे यूज कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन पे भी और हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल पोजीशन होती है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है अगर आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो वर्टिकल पोजीशन है, ऐसे कनेक्ट कर देंगे ऐसे दिस इज, ये आपके नट एंड बोल्ट है और ये आपका इंसुलेटर है दिस इज। ठीक है दोनों ही पोजीशन पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेकल इंसुलेटर कैन बी यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज वेल एज या फिर और करके लिखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन और इन दी वर्टिकल पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है चलिए अब मैं इसका एक आपको फिगर भी बना के दिखा देता हूं, अच्छा सा फिगर बना के दिखा रहा हूं, उस फिगर को बना लीजिएगा। चलो चलिए फिगर मेरे साथ बना लीजिए। दिस इज द पोल या फिर टावर, ये मेरा आपका हो गया पोल, दिस इज पोल और इसमें हम नट एंड बोल्ट का यूज कर रहे हैं।
ठीक है. नाउ दिस इज द चलो नट बोल्ट लगा रहा हूं यहां पर. ये केस है, दिस इज द केस. ठीक है, इसमें मैं आपका इन्सुलेटर को फंसाऊंगा. डंबल्ड शेप इन्सुलेटर होगा. ठीक है, डंबल्ड शेप इन्सुलेटर विल बी देयर. दिस इज पोल एंड दिस इज द नट बोल्ट. ये आपका नट एंड बोल्ट है. नट एंड बोल्ट. ठीक है, नाउ now this is the nut and bolt. नट एंड बोल्ट. और ये आपका जो है सैकल टाइप ऑफ इंसुलेटर. दिस इज नथिंग बट दे सैकल. यहां पर हम लोग कंडक्टर को बीच में बांध देते हैं. यहां से आता है ऐसे लपेट देते हैं. ठीक है, दिस इज नथिंग बट ए साइकिल इंसुलेटर. साइकिल इंसुलेटर SH होता है, SC नहीं होता. साइकिल में SH होता है. स्पेलिंग सही कर लीजिएगा. एस एच
ठीक है। नाउ दिस इज द सिमेट्रिकल डायग्राम ऑफ द सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर। आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही पोजीशन पे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसको डी शेप, दिस इज द डी शेप, ये जो इसका कवर होता है ये डी शेप का होता है, ये डी शेप दिख रहा होगा, डी शेप, ये जो इसका कवर होता है जिसपे इसको फंसाते हैं ये डी शेप का होता है, डी शेप। कुछ मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है, फोटो भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए। पहले इसको बना लीजिए, हो गया। चलिए चलिए थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूं। दैट इज नाउ ये आपको दिख रहा होगा बेटा साइकिल टाइप ऑफ इंसुलेटर। ध्यान से देखिए, पिक्चर में आपको दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा होगा। आप देखिए पहली पिक्चर भी दिख रहा होगा, दूसरी पिक्चर दिख रहा होगा, हेलो, दूसरी पिक्चर में आप देखिए कवर के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तीसरे में आपको ये दिख रहा है, ये आपका साइकिल टाइप। आप देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कंडक्टर भी पास कर रहा है, चौथी पिक्चर में कंडक्टर भी पास कर रहा है। ये देखिए ये वाली फिगर को मैं बड़ा कर देता हूं, ये आपका सेकल टाइप ऑफ इंसुलेटर है जो कि आपका जो है शार्प कॉर्नर, हेलो, शार्प कॉर्नर पे यूज किया गया, शार्प कॉर्नर पे यूज किया गया है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो फिगर मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, यहां पर कंडक्टर पास कर रहा है, डी शेप का हो इसका कवर है और ये डंबल्ड शेप का होता है, डंबल्ड शेप का होता है, डंबल्ड शेप, ठीक है। ये देखिए इसका फिगर है, ठीक है, दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर। राइट साइड पे देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूं, राइट साइड पे मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेन टाइप भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। स्ट्रेन टाइप, स्ट्रेन इंसुलेटर इमेज, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेन इंसुलेटर की इमेज दिखा रहा हूं। ये चीज देखिए, स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर। आप देखेंगे पहला वाला फिगर मैंने आपको दिखाया है, राइट साइड पे आपका सिंगल सिंगल स्ट्रिंग है, ये देखिए ये वाला फिगर देखिए, स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर, बीच में जम्पर केबल भी यूज किए गए, जम्पर केबल, ये स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर है, ये स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर है, ठीक है। सस्पेंशन टाइप भी दिखा देता हूं आपको, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास भी गूगल है, आप आसानी से देख सकते हैं, वीडियोज भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ सस्पेंशन टाइप भी दिखा देता हूं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर।
ये देखिए सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर, ये है पहला पिक्चर। दूसरा ये पिक्चर देखिए, सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर। ये देखिए आपका जो है ग्लास, टफेंड ग्लास, मैंने बोला था यहां पर ये टफेंड ग्लास की आपकी क्या लगी हुई है, आपकी डिस्क लगी हुई है। यहां पर देखिए, यहां पर पोर्सलिन की डिस्क लगी हुई है, ठीक है। और भी पिक्चर देखिए, ये देखिए पोर्सलिन की डिस्क है, ये पोर्सलिन की डिस्क है, डार्क ब्राउन कलर, ठीक है। ये सारे के सारे सस्पेंशन। ये देखिए जब आपको जो है ज्यादा, जब जो है आपका जो है ज्यादा वेट होता है तो आप जो है पैरेलल सस्पेंशन यूज कर सकते हैं, या फिर अगर टेंशन ज्यादा होगा तो आप पैरेलल स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। ये देखिए फिगर देखते जाइए, ये सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि पिक्चर दिखा देते, पिक्चर भी दिखा दिया आपको। और बात करते हैं पिन टाइप भी, मैं आपको दिखा देता हूं पिन टाइप, ध्यान से देखते जाइए। ये चीजें आप लोग भी देख सकते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते ना, कौन देखे। ये देखिए पिन टाइप ऑफ इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर में देखिए ऊपर ग्रूव बना है, ग्रूव देखिए, अभी मैं पिक्चर दिखाता हूं जिसमें कंडक्टर, ये वाला फिगर देखिए ग्रूव, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर ग्रूव बना है जिसके ऊपर कंडक्टर रखा जाएगा, ठीक है। और पिक्चर दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए ये वाला फिगर है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला फिगर देखिएगा, ये वाला फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, कहां गया ये वाला फिगर, ये देखिए आपके ग्रूव से पास कर रहा है, और जिस मटेरियल का पावर कंडक्टर है उसी मटेरियल के एनील्ड वायर से उसको वाउंड किया गया है। पड़ोस में लगा है टावर एंड पोल में, ठीक है। यहां पर आप देखें, ये देखिए ऊपर से आपका पास हो रहा है, ऊपर से पास हो रहा है, ऊपर से दिखना चाहिए आपको। नाउ इसको चेक कर लीजिए, ये वाले इसमें देखिए बगल में बना और बगल में कंडक्टर पास किया गया, बगल में कंडक्टर पास किया गया, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ फोटो भी दिखा दिए जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियरिटी से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका दैट इज स्ट्रे इंसुलेटर, स्ट्रे इंसुलेटर, ठीक है। स्ट्रे इंसुलेटर जरा बात करते हैं, स्ट्रे इंसुलेटर का जरा फिगर देखिएगा। स्ट्रे इंसुलेटर, ये देखिए स्ट्रे इंसुलेटर है, ये स्ट्रे इंसुलेटर, दिस इज द स्ट्रे इंसुलेटर, ये देखिए ये स्ट्रे इंसुलेटर है। ये वाला फिगर देखिए, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये स्ट्रे इंसुलेटर है, ये स्ट्रे इंसुलेटर है, दिस इज द स्ट्रे इंसुलेटर, ये देखिए ये स्ट्रे इंसुलेटर है। ये कहां लगता है, जो आपका डेड एंड टावर होता है, मतलब जो लास्ट टावर होता है ना, लास्ट टावर में आप देखेंगे, लास्ट टावर में अगर आप केवल कंडक्टर बांध के छोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, टावर आपका इस टेंशन की वजह से गिर जाएगा। तो क्या करते हैं, यहां पर वायर फंसे होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन देने के लिए स्ट्रे वायर लगाते हैं। लेकिन स्ट्रे वायर को अगर आप जो है क्या कर देंगे, डायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे, तो हो सकता है कि लीकेज करंट आपका उसमें फ्लो कर जाए। तो हम बीच में क्या लगाते हैं, दैट इज स्ट्रे इंसुलेटर लगाते हैं, स्ट्रे, ठीक है, STAY, हाँ स्ट्रे इंसुलेटर वी कैन बी यूज, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रे इंसुलेटर है, और भी मैं फिगर आपको दिखाता हूं। डेड एंड, जो सबसे लास्ट वाले टावर होता है वहां पर हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस वाले फिगर को देखिएगा, इस वाले फिगर को, यहां से आपको चीजें क्लियर होंगी। ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, ये वाला फिगर, ये वाला, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला फिगर कहां गया। ये जो फिगर है आप देखेंगे, इसमें पिक्चर भी दिखाई गई है
और अरेंजमेंट भी दिखा है, एक टावर है और टावर से आपने स्टे वायर कनेक्ट किया जिसको गे वायर भी बोलते हैं, ठीक है, गे वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहां पर आप देखिए ये वाले पिक्चर में, ये वाले पिक्चर में रेड कलर से आपका सर्किल किया गया है, स्ट्रे इंसुलेटर, स्ट्रे इंसुलेटर, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं स्ट्रे इंसुलेटर के बारे में। इस डायग्राम में देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रे इंसुलेटर लगाते हैं, स्ट्रे इंसुलेटर लगाते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज स्ट्रे इंसुलेटर। हेडिंग डाले नेक्स्ट इंसुलेटर के बारे में, स्ट्रे इंसुलेटर, और स्ट्रे वायर इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रे इंसुलेटर, या फिर स्ट्रे वायर इंसुलेटर। और इसको बोलते हैं गाय, गाय वायर इंसुलेटर। That is also known as a guy wire insulator, ठीक है। तो चलो मैं इसका फिगर बना देता हूं, फिर उसके बाद इसमें लिखवा देता हूं। जनरली जो स्ट्रे वायर इंसुलेटर होता है वो स्ट्रे वायर में यूज किया जाता है फॉर स्ट्रे अरेंजमेंट, ठीक है, स्ट्रे अरेंजमेंट, ठीक है। चलो नाउ यहां पर आपके पास एक टावर है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है। जनरली आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही देखने को मिलता है स्ट्रे इंसुलेटर, जनरली आपको कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहां मैं बना रहा हूं, दिस इज द पोल, दिस इज पोल। इस पोल से तीन फेज जा रहे हैं आपके, आर फेज, वाई फेज। अब ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट, इंसुलेटर लगाएंगे लेकिन इंसुलेटर मैंने यहां पर दिखाया नहीं है, ठीक है। तो आप मान के चलेंगे इंसुलेटर के थ्रू जा रहे हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज एंड दिस इज द न्यूट्रल। आर फेज जा रहा है, ये वाई फेज जा रहा है, ये बी फेज जा रहा है, और यहां से ये न्यूट्रल वायर जा रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो सबसे लास्ट टावर होगा, ठीक है, सबसे लास्ट टावर होगा या फिर स्टार्टिंग टावर होगा, स्टार्टिंग जहां से लाइन स्टार्ट होगी वहां से ये जो कंडक्टर होंगे ये आपके क्या करेंगे, इस पोल को टेंशन क्रिएट करके अपनी तरफ खींचेंगे, और अगर मैं इस साइड से सपोर्ट नहीं दूंगा तो ये टावर आपका इस साइड गिर जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस टावर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं। लेकिन इस कंडक्टर का काम है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर या फिर पावर को ट्रांसफर करना नहीं, केवल क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, टेंशन, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब इस वायर को, ये जो वायर होता है वो गैल्वेनाइज स्टील का बना होता है। तो हम क्या करते हैं कि आपका जो है एक स्ट्रे वायर हम लगाते हैं, स्ट्रे वायर लगाते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए, इधर ये टेंशन, ये वायर इसको इधर खींच रहे हैं, तो ये आपका जो है जो पोल है वो आपका जो है गिर नहीं जाए, इस साइड गिर नहीं जाए, इसलिए हम क्या करते हैं इसके अपोजिट है, इसमें टेंशन देते हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रे वायर लगा देते हैं, और इसको हम जो है जनरली हम क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो पोल होता है वो इस वायर के टेंशन की वजह से उखड़ता नहीं है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप देखें कई बार क्या होता है, लीकेज करंट पास करता है इंसुलेटर के थ्रू, अब ये लीकेज नहीं, इसमें करंट ना पास करे, आप देखेंगे टावर से कुछ ना कुछ लीकेज करंट होगा तो इसमें भी लीकेज करंट आएगा, लीकेज करंट है, कोई गाय भैंस जो है इससे टच करने के बाद डैमेज क्या हो सकती है, हजार हो सकती है, या फिर वो उसमें करंट लग सकता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम जो है पोल को, पोल से एक स्ट्रे वायर कनेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्टली ग्राउंड पे नहीं कनेक्ट करते, हम बीच में एक इंसुलेटर लगा देते हैं, मान ली यहाँ करंट आ रहा है, लेकिन इंसुलेटर लगाने से बहुत कम ही करंट आपका क्या होगा, पास करेगा, फिर नेग्लेक्टेड करंट पास करेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रिज से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, बीच से इसको ब्रेक करते हैं, और यहां पर इंसुलेटर लगाते हैं, स्ट्रे इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रे इंसुलेटर में लगा दो,
ठीक है, ये स्ट्रेन इंसुलेटर होता है, इसमें यहां पर एक छेद यहां होता है, एक छेद यहां होता है, तो इस वायर को इस छेद में कनेक्ट कर दे, इस वायर को इस छेद में कनेक्ट कर देते ना, यहां पर एक गैप होगा और यहां भी एक गैप होगा ना, इस वाले कंडक्टर को इस छेद से कनेक्ट कर देते हैं और इस वाले कंडक्टर को इस छेद से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो आपका कंडक्ट, ये जो आपका इंसुलेटर मैंने बनाया, दिस इज द स्ट्रे इंसुलेटर, और आपने देखा होगा इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं जमीन से, यहां पर कैसे अरेंजमेंट लगाते हैं, यहां पे एक लोहे का पैडल टाइप होता है, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, और यहां से दो कीले निकलती हैं, दो कीले निकलती हैं जिनको जमीन में हम लोग क्या कर देते हैं, गाप देते हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने देखो आपके घर के आसपास जो है ऐसा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। और ये जो वायर होता है, इस वायर को बोलते हैं स्ट्रे वायर, इसका यूज नहीं है कंडक्टिविटी के लिए, यूज नहीं, गैल्वनाइज स्टील का बना होता है, ठीक है। अब गड्ढा कितना गहरा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेंशन, कितना टेंशन उस हिसाब से गहरा गड्ढा होता है, कोई स्पेसिफिक गड्ढा नहीं होता है, ठीक है, कि कम होगा ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टेंशन होगा उतना गहरा गड्ढा करें। तो दिस इज इंसुलेटर इज कॉल्ड द स्ट्रे इंसुलेटर। ये मेरा पोल है, ये मेरा पोल है, दिस इज पोल एंड दिस इज द स्ट्रे वायर, स्ट्रे वायर, और ये जनरली आपका गैल्वनाइज स्टील का बना होगा, जनरली ये गैल्वनाइज स्टील का बना होता है, ठीक है, जनरली मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसी को हम स्ट्रे अरेंजमेंट बोलते हैं, ये स्ट्रे अरेंजमेंट है, ये कंडक्टिविटी में पार्ट नहीं कर रहा, दिस इज द स्ट्रे अरेंजमेंट। स्ट्रे अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बीच में इन्सुलेटर। अब देखो यहां इन्सुलेटर लगा, तो मान लो यहां से कुछ करंट लीक करेगा, बीच में इन्सुलेटर लगा है, तो ये इस इन्सुलेटर की वजह से ये करंट इससे पास नहीं कर पाएगा, तो यहां पर ये जो आपका ह्यूमन की रीच में, या फिर आपका जो जंगली जानवर होते हैं, फिर गाय भैंस होते हैं, उनकी रीच में जो कंडक्टर, इसमें करंट कम होगा, तो जिससे हजार होने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने देखी होगी जनरली गांव में, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, आजकल तो ये अब नहीं देखने को मिलती है डेड एंड में, लेकिन आपको अधिकतर आपको देखने को मिल जाएगा गांव में, ठीक है। लिखिए, लिखना स्टार्ट करें, इसमें स्ट्रे इंसुलेटर इज यूज्ड इन स्ट्रे वायर फॉर स्ट्रे अरेंजमेंट,
स्ट्रे अरेंजमेंट, ठीक है, इसी को स्ट्रे अरेंजमेंट बोलते हैं। स्ट्रे, स्ट्रे मीन्स होता है दैट इज नथिंग बट द बिना काम का, ठीक है, यहां पर इसको कोई काम नहीं, केवल ये जो स्ट्रे अरेंजमेंट होता है ये पोल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और सपोर्टिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सपोर्टर सपोर्ट जो कंडक्टर के थ्रू प्रोवाइड करे इसमें करंट फ्लो ना कर पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक इंसुलेटर लगा देते हैं। इस कंडक्टर में करंट फ्लो ना कर पाए इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस स्ट्रे वायर में इंसुलेटर लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रील इंसुलेटर, रील इंसुलेटर, ठीक है, रील इंसुलेटर। तो जो रील इंसुलेटर होता है वो जनरली आपका यूज किया जाता है कहां पर बेटा, ओवरहेड लाइंस में, ठीक है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। और बेटा इसका यूज करते हैं आपके कंडक्टर के बीच डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। आप देखेंगे जैसे विंड विंड होती है, जब बारिश का मौसम होता है या फिर आपका तेज हवाएं चलती है, फिर तूफान के समय जो कंडक्टर होंगे वो आपके अपने कंडक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, अपनी पोजीशन पे स्विंग करने लगेंगे। स्विंग करने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे से अगर टच कर जाएंगे तो क्या होने वाला है बेटा, देयर इज ए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट विल बी देयर। तो जब आपके पास वर्षा का जो है बारिश का मौसम होता है या फिर तूफान तूफान आता है फिर तेज हवाएं चलती है, तो जब वो स्विंग करें तो आपस में टच ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं दो कंडक्टर को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इंसुलेटर लगा देते हैं। अगर डायरेक्टली टच कर देंगे शॉर्ट सर्किट से तो देयर इज ए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो हम इंसुलेटर के थ्रू उनके बीच में क्या करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उसके लिए इंसुलेटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रील इंसुलेटर। जनरली आप देखेंगे इलाहाबाद में आपको कहीं भी इंसुलेटर देखने को नहीं मिला होगा, तीनों फेर में डंडी बांध देते हैं, डंडी आपके एक इंसुलेटर का काम करती है, जिसकी वजह से जब आपके पास बारिश या फिर तेज हवाएं चलती है तो कंडक्टर एक दूसरे टच नहीं करते। मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूं, ठीक है, रील इंसुलेटर का फिगर दिखा देता हूं, नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर। ये है रील इंसुलेटर, नाउ दिस इज द रील इंसुलेटर, ये रील इंसुलेटर है, ठीक है, चलो Now, ये देखो रील इंसुलेटर है, ठीक है, इस रील इंसुलेटर में आप देखें खाना, एक वायर आपके एक खाने से जाएगा, दूसरा वायर दूसरे खाने से, तीसरा वायर तीसरे खाने से जाएगा। एक मिनट मैं दिखाता हूं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कहां पर देखने को मिलेगा, कोई फिगर ऐसा शो नहीं कर रहा इसमें,
इसमें देखिए इमेज तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको इमेज भेज दूंगा जो है, ठीक है। या फिर आप देखिए यहां पर इस फिगर को देखिए, इस फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये रील इंसुलेटर है, इस रील इंसुलेटर से एक कंडक्टर पास कर देंगे, ठीक है ना। ये वाला फिगर समझिएगा, ये वाला फिगर समझिएगा, ये वाला देखिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आर फेज को इस रील इंसुलेटर से पास कर देंगे, रील इंसुलेटर अरेंजमेंट पे आ जाएगा। देख लेते हैं, चलो डाल के रील इंसुलेटर अरेंजमेंट, इस चीज को समझिए। यहां पर तो एक आप इस आर फेज इससे पास कर देंगे, बाई फेज को फिर दूसरे से पास कर देंगे और तीसरे को बी फेज से पास कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जब स्विंगिंग होगी तो जो आपका कंडक्टर होगा वो आपका स्विंग नहीं कर पाएगा। अगर स्विंग नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, या फिर आप देखेंगे ये एप्लीकेशन एक आपको दिख रहा होगा, दिस इज द एप्लीकेशन। ये देखिए जरा, ये एक एप्लीकेशन आपको दिखा, ये रील इंसुलेटर। देखिए ऊपर आपके पास आर फेज का कंडक्टर है, नीचे आपका बी फेज का कंडक्टर है, और तीसरा बेटा आपके पास किस फेज का कंडक्टर है, दैट इज बी फेज का कंडक्टर है, ठीक है। आप देखेंगे तीनों को हम जो है क्या करते हैं, रील इंसुलेटर तीनों में लगाते हैं। इसमें एक में लगाया है, तीनों पे लगाते हैं, तीनों पे जब लगाएंगे तीनों को एक दूसरे से आपस में जो है क्या करते हैं, फास देते हैं, जिससे कि तीनों जो है हवा की वजह से जब स्विंगिंग होगा तो एक दूसरे से टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसने एक ही फेज में रील इंसुलेटर लगाया है, लेकिन तीनों फेज में लगाते हैं। हेलो, तीनों फेज में रील इंसुलेटर लगाएंगे और तीनों फेज को रील इंसुलेटर लगाने के बाद तीनों को वायर के थ्रू आपस में बाउंड कर देंगे। हेलो, एक फेज में लगाया, दूसरे फेज में भी रील इंसुलेटर लगाएगा और तीसरे फेज में लगाएगा, तीनों को हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि आपका तीनों के तीनों एक दूसरे से आपका डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, एक सेपरेट डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और जब हवा चलेगी तो स्विंगिंग की वजह से एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, ठीक है। एक ये अरेंजमेंट दिखा है, ठीक है। नाउ दिस इज द वन अरेंजमेंट, ठीक है, तीनों फेज में लगाते हैं, तीनों फेज में। चल तो लिखना स्टार्ट करें, रील इंसुलेटर, नेक्स्ट इंसुलेटर लगाया, रील इंसुलेटर। नेक्स्ट हेडिंग डालें, रील इंसुलेटर, या फिर इसको बोलते हैं स्प्लिट इंसुलेटर। रील इंसुलेटर और स्प्लिट इंसुलेटर, रील इंसुलेटर और स्प्लिट इंसुलेटर, ठीक है, ठीक है। चलो लिखना चालू करें, रील इंसुलेटर तीनों वायर में, तीनों वायर को रील इंसुलेटर के अंदर से पास करते हैं, तीनों को हम लोग फिर क्या करते हैं, तो वायर के थ्रू बांध देते हैं। आप देखो ऐसा होता है, ये मेरे पास तीन कंडक्टर है, एक दो तीन, यहां भी मैंने इसको रील इंसुलेटर से पास किया, इसको भी रील इंसुलेटर, और फिर तीनों को हम वायर के थ्रू क्या कर देते, कनेक्ट कर देते, तीनों को वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो तीनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगी, स्विंग नहीं करेंगे, ठीक है।
रील इंसुलेटर इज यूज्ड, रील इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवरहेड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इट इज यूज्ड एंड इट इज यूज्ड टू मेंटेन द डिस्टेंस, इट इज यूज टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टर इन द वोल्टेज लेवल। इट इज यूज टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इन द लो वोल्टेज लेवल। और जनरली ये किस वोल्टेज लेवल पे देखने को मिलता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 400 वोल्ट पे, 400 थ्री फेज जो लाइन होगी उसमें देखने को मिलेगा। लिख दे रहा हूं, जनरली इट इज यूज्ड फॉर 400 वोल्ट थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। चल देखिए, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। देखिये यहां पर एक ग्रूव होता है जिससे कि हम यहां पर कंडक्टर को बांध सके, ठीक है। ये रील इंसुलेटर होता है। अरेंजमेंट भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। दिस इज द रील इंसुलेटर, ये रील इंसुलेटर का अरेंजमेंट है, ये रील इंसुलेटर होता है। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए अरेंजमेंट दिखा देता हूं कैसा होगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ ऑफ रील इंसुलेटर या फिर स्प्लिट इंसुलेटर, ठीक है।
देखो Now this is ये आपके तीन फेज हैं चलो न्यूट्रल के लिए मैंने बना दिया आपका ठीक है ना यहां से आपका कंडक्टर जाएगा कंडक्टर इसके अंदर से जाएगा डॉटेड कलर में दिखा रहा हूं कि अंदर से कंडक्टर जा रहा है ये आर फेज का कंडक्टर है ये वाई फेज का कंडक्टर है ये बी फेज का कंडक्टर है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है ठीक है दिस इज आर फेज Y फेज B फेज एंड दिस इज न्यूट्रल अब आप देखेंगे कि जब स्विंग होगा तो ये आपके जब हवा तेज चलेगी तो स्विंग करेंगे तो ये दूसरे से टच कर सकते हैं तो टच ना करें इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इंसुलेटर रियल इंसुलेटर लगाते हैं और बीच में क्या करते हैं वायर से इन तीनों को कनेक्ट कर देते हैं चारों को ठीक है यहां मैं एक वायर ले रहा हूं वायर के थ्रू मैं सारे के सारे इंसुलेटर को बाउंड कर दूंगा यहां पर मैंने इसको बाउंड कर दिया इसको 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 बाउंड कर दिया ठीक है अगर मैं डायरेक्टली बांधूंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा लेकिन मैंने इंसुलेटर के थ्रू बांधा हुआ है जिससे कि अब इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगी और ये स्विंग नहीं कर पाएंगे तेज हवा में एक दूसरे से टच नहीं करेंगे ठीक है तो रियल इंसुलेटर की हेल्प से आपने क्या किया है कि आपने कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन कर रखा है ठीक है तो दिस इज द वर्क ऑफ द रियल इंसुलेटर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इस टाइप अरेंजमेंट आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा ठीक है लास्ट इंसुलेटर बचता है पोस्ट इंसुलेटर पोस्ट इंसुलेटर Now this is the arrangement. Next लिखिए बेटा that is a post insulator. चलिए बन गया होगा आगे चले चलिए पोस्ट इंसुलेटर पहला चीज है जो पोस्ट इंसुलेटर होता है पोस्ट इंसुलेटर आपका कहां पर देखने को मिलता है सब स्टेशन में देखने को मिलता है सब स्टेशन में आप देखेंगे कि आपके पास जो पोल होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के पोल होते हैं और इन रेक्टेंगुलर शेप के पोल में हम क्या करते हैं कई सारे इक्विपमेंट को क्या करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जैसे बस बार हो गया या फिर आपके पास सीटी हो गया पीटी हो गया इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं रेक्टेंगुलर पोल में लेकिन आप डायरेक्टली इन
इक्विपमेंट्स को या फिर बस बार को, बस बार एक मोटा सा कंडक्टर होता है जिसमें इनकमिंग कंडक्टर भी जुड़ा होता है और आउटगोइंग कंडक्टर भी जुड़ा होता है। इनकमिंग वायर भी आते हैं और फिर वहां से आप जो है क्या करते हैं आउटगोइंग वायर्स को निकालते हैं। तो बस बार, तो इन सारे के सारे जो कंडक्टर होते हैं इनको हम क्या करते हैं पोल में डायरेक्ट जो है कनेक्ट नहीं करते, फिर डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, इंसुलेटर के थ्रू जो है क्या करते हैं आपका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बस बार जो इंसुलेटर होते हैं बस बार को पोल से डायरेक्टली जो है सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, इंसुलेटर के थ्रू आपका सपोर्ट प्रोवाइड करते। तो बस बार इंसुलेटर जो होता है वही आपका पोस्ट इंसुलेटर होता है, या फिर सीटी और पीटी को भी हम लोग क्या करते हैं सपोर्ट जब अपने पोल से प्रोवाइड करते हैं तो हम जो है पोस्ट इंसुलेटर को यूज करते हैं। और पोस्ट इंसुलेटर जनरली आपका सब स्टेशन में देखने को मिलता है, सब स्टेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। और जनरली ये जो है आपका जो पोस्ट इंसुलेटर है 33 KVA की रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल बनाता हूं, आप देखेंगे कि जो पोस्ट इंसुलेटर होगा आपके सब स्टेशन के अंदर, सब स्टेशन के अंदर हम ऐसे पोल्स को यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर पोल्स को यूज करते हैं। जो पोल होते हैं वो किस शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के, इस तरह के पोल होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के पोल हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। Now this is ठीक है rectangular shape poles, shape poles are used in the substation, substation, ठीक है, rectangular pole के poles use करते हैं। और rectangular pole के rectangular shape के poles हम लोग इसलिए use करते हैं क्योंकि हम कई सारे equipment होते हैं, कौन कौन से equipment होते हैं, जैसे bus bar होता है, आइसोलेटर होता है, सीटी होता है, पीटी होता है, सर्किट ब्रेकर होते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड, जमीन में थोड़ा रखते हैं, पोल पे रखते हैं सपोर्ट प्रोवाइड, लेकिन जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली हम जो है अपने बस बार या फिर सीटी पीटी या फिर सर्किट ब्रेकर या फिर आइसोलेटर को डायरेक्टली हम पोल पे नहीं रखते, डायरेक्टली पोल पे नहीं रखते, किसके थ्रू हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पोल से हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंसुलेटर के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहां पर बस बार बना रहा हूं, बस बार, ठीक है, बस बार, बस बार एक मोटा सा कंडक्टर होता है, ये बस बार मैं बना रहा हूं, दिस इज ए बस बार, एक मोटा सा कंडक्टर होता है, इससे इनकमिंग कंडक्टर भी जुड़ा होता है और इससे आउटगोइंग कंडक्टर भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो मोटा सा कंडक्टर होता है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कंडक्टर जुड़े होते हैं उसको बस बार बोलते हैं, दिस इज ए बस बार, दिस इज ए बस बार, बस बार। अब इस बस बार को सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो डायरेक्टली हम इस पे थोड़ा रख देंगे, हम क्या करेंगे इंसुलेटर के थ्रू हम क्या करेंगे इसको जो है आपके पोल से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, किसके थ्रू इंसुलेटर के थ्रू, ठीक है, इंसुलेटर के थ्रू, यहां मैं इंसुलेटर भी बना रहा हूं, किसके थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंसुलेटर के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया, इंसुलेटर के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड किया, दिस इज इंसुलेटर के थ्रू हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया, ये बस बार इंसुलेटर है विच इज द एग्जांपल ऑफ द पोस्ट इंसुलेटर, हम इसको बस बार इंसुलेटर भी बोल सकते हैं या फिर ये आपका कौन सा इंसुलेटर था, पोस्ट इंसुलेटर, दिस इज द पोस्ट इंसुलेटर, ये आपका कौन सा इंसुलेटर मैंने बनाया है, दिस इज पोस्ट इंसुलेटर, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पोस्ट इंसुलेटर, ठीक है, दिस इज द पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर एग्जैक्टली सेम होता है पिन इंसुलेटर की तरह, तो मैं फिगर दिखा देता हूं, इस फिगर को बना लीजिए फिर मैं आपको पोस्ट इंसुलेटर का भी फिगर दिखा देता हूं, और जनरली ये पोस्ट इंसुलेटर आपका सब स्टेशन पे देखने को मिलेगा, और पोस्ट इंसुलेटर का जो भाई होता है दैट इज कॉल्ड पिन इंसुलेटर, वो आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है।
बन गया हो तो मैं आपको रियल पिक्चर दिखा दूं। चल यहां पर देखिए, पोस्ट इनटू लेटर इमेज, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पोस्ट इन्सुलेटर। देखिए पोस्ट इन्सुलेटर यहां ग्रूव नहीं है, यहां पर चार खाने, इसके ऊपर जो है चार खाने इस पर रखा जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द पोस्ट इन्सुलेटर, ये देखिए ये एग्जाम्पल है पोस्ट इंसुलेटर का। पोस्ट इंसुलेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसमें ग्रू होता है, इसमें ऊपर सपोर्ट होता है, सपोर्ट के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। दिस इज द पोस्ट इंसुलेटर, एग्जाम्पल ऑफ द पोस्ट इंसुलेटर, ये देखिए पोस्ट इंसुलेटर, ये देखिए पोस्ट इंसुलेटर, ये पोस्ट इंसुलेटर, दिस इज द पोस्ट इंसुलेटर, कहां गया? ये पोस्ट इंसुलेटर है, दिस इज द पोस्ट इंसुलेटर, ये पोस्ट इंसुलेटर है। आपको समझ में आया होगा पोस्ट इंसुलेटर और पिन इंसुलेटर में डिफरेंस, पोस्ट इंसुलेटर और पिन इंसुलेटर में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें ग्रूव होता है, इसमें ग्रूव नहीं होता, ऊपर रखने के लिए बना होता है, ठीक है। वही चीज मैंने आपको बनाया हुआ है, दिस इज द सेम चीज। यहां पर आपका बस बार इसके ऊपर रख दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। पोस्ट इंसुलेटर में लिखें, इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू पिन इंसुलेटर, इट इज सिमिलर टू द पिन इंसुलेटर, पहला पॉइंट। It is used in the substation. It is used in the substation for support. For the support. For the support of CT current transformer या फिर instrument transformers. करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी कॉमा पीटी कॉमा सर्किट ब्रेकर पंप आइसोलेटर एंड बस बार, बस बार एक्सेट्रा। इट इज यूज्ड इन सब स्टेशन फॉर द सपोर्ट ऑफ सीटी पीटी सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर एंड बस बार एक्सेट्रा। जितने भी सब स्टेशन में इक्विपमेंट होते हैं उन इक्विपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और पोस्ट इंसुलेटर आपका सब स्टेशन में यूज किया जाता है तो कितनी रेटिंग का होता है, कितने वोल्टेज लेवल तक यूज किया जाता है, 33 kVA तक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जनरली पोस्ट इंसुलेटर is used up to 33 kV voltage level। इसका फिगर भी मैं बना देता हूं, पोस्ट इंसुलेटर का फिगर। एग्जैक्टली पिन टाइप इंसुलेटर की तरह इसमें डिस्क होती है, बट ऊपर ग्रूव की जगह सपोर्ट होता है। चलिए फिगर बना लीजिए। नाउ दिस इज द
ठीक है। ऊपर ये सपोर्ट होता है और इसमें खाने बने होते हैं जिसके बीच में सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, और यहां पर एक क्रॉस आर्म होगी और इस क्रॉस आर्म में या फिर आपके पास सपोर्ट होगा, पोल क्रॉस आर्म होल क्रॉस आर्म जिसमें हम नट बोल्ट से इसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, ये नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट, ठीक है। दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द पोस्ट इंसुलेटर। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक इसमें पूछा जाता है, स्ट्रिंग इंसुलेटर। स्ट्रिंग इंसुलेटर में सस्पेंशन टाइप भी होता है, स्ट्रेन टाइप भी होता है। तो जो हम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं वो सस्पेंशन टाइप के लिए पढ़ रहे हैं। सस्पेंशन टाइप का जो स्ट्रिंग इंसुलेटर होता है उसमें वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और फिर हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी भी डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है तो उसमें कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, हेडिंग डालिए वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्ट्रिंग इंसुलेटर। देखिए कैलकुलेशन दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो कैलकुलेशन किया जाता है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में किस टाइप की, सस्पेंशन टाइप के लिए। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्ट्रिंग इंसुलेटर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं स्ट्रिंग इंसुलेटर में भी किस इंसुलेटर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग में भी दो होते हैं लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सस्पेंशन के लिए कर रहे हैं। स्ट्रेन के लिए भी सेम कैलकुलेशन वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सस्पेंशन, दैट इज सस्पेंशन या फिर आप जो है स्ट्रिंग की जगह जो है सस्पेंशन ही डाल दीजिए। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसको कल करते हैं और कल मैं आपकी 3 घंटे की क्लास लूंगा, इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस टॉपिक से और इसी से न्यूमेरिकल आता भी है, ठीक है। तो आपके टाइप ऑफ द इंसुलेटर कंप्लीट होते हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी टाइप के इंसुलेटर होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस लेवल पे यूज करते हैं, वो सारी सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है इंसुलेटर से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कल मैं जो है इसको लगभग कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद जो है, ठीक है, आपका जो है मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक होते हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन का, पावर सिस्टम का, और आपके मशीन में कल या परसों से मशीन में इंडक्शन मशीन में आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन से पहले तक इंडक्शन मशीन कंप्लीट है, दो मशीन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, कल डिस्कशन कर लेंगे आपके एग्जामिनेशन के बारे में कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ के जाना है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो क्या क्या पढ़ के जाना है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है।
कल मैं आपकी 12 बजे के आसपास हाँ पावर प्लांट का कंपैरिजन चार्ट मैं भेज दूंगा, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्लास है अभी 8 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आज लगभग खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। और मशीन में इंडक्शन मशीन में आपकी कंप्लीट करा दूंगा, इन्हीं दो से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ट्रांसफॉर्मर में और इंडक्शन मशीन में, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पावर सिस्टम में जितना पढ़ा है लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे फंस जाएंगे। और आपका कंपैरिजन चार्ट गैस पावर प्लांट में मैं आपको भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसको जो है, ठीक है। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। जितना ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे जितना पढ़ाया हुआ, ठीक है। केवल कनेक्शन ही रह गया, कनेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जेई लेवल पे कनेक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसको अभी छोड़ सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। चलिए आठ बजे से ले लेते हैं, हाँ मैं अभी भेज देता हूँ आपको थोड़ी देर में या फिर कल भेज दूंगा कंपैरिजन चार्ट, जिससे आप एक बार पढ़ के जाइएगा। अगर पावर प्लांट में कंपैरिजन पूछा जाएगा तो उसी में से आप उसको जो है कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।